जय माता की। आज हम ये बात करेंगे कि तंत्र क्या है और तांत्रिकों से आज लोग डरते क्यों हैं। तंत्र एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, व्यवस्था है इस संसार की, इस ब्रह्मांड की, और उसी को पकड़ के चलने वाला व्यक्ति प्राकृतिक शक्ति के सहारे आगे बढ़ता है, वही तांत्रिक होता है। लेकिन जिन तांत्रिकों से लोग आज डर रहे हैं वो डरने लायक भी है, क्योंकि वो तंत्र को ही माध्यम बना रखे हैं बिजनेस का, व्यापार का। उनके पास उस तरह के लोग आते हैं कि हमें इस व्यक्ति से, इस पर्टिकुलर व्यक्ति से परेशानी है और हमें इसे नीचा गिराना है या इसको कमजोर करना है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। चाहे भले वो व्यक्ति इनके लिए नुकसानदायक हो ना हो, पर इनके जलन की भावना, अपने को उससे आगे रखने की भावना, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयास के ऐसे व्यक्तियों से संपर्क साधने का कारण बनती है। और इसी कारण के वशीभूत होकर के ये किसी व्यक्ति पर तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं। जो तांत्रिक इस तरह का कार्य करता है वो तांत्रिक होता ही नहीं, वो किसी बड़े योनि के जैसे प्रेत, डाकिनी साकिनी, चुड़ैल, जिन्न, पिशाच इत्यादि आदि को सिद्ध किया होता है, जो उसके लिए भी नुकसानदायक होता है और उसी के माध्यम से ये उन कार्यों को करते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर एक बार ये प्रभावित हो जाती हैं उसका जीवन तो नरक बना करके ही फिर मृत्यु को प्राप्त करा देते हैं। फिल्मों में आपने देखा है उससे भयानक स्थिति ये पैदा करते हैं। इसीलिए आज तंत्र और तांत्रिकों के नाम से लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए। ये इतना आसान है कि कुछ औरतें भी थोड़ा बहुत शराब इत्यादि, मीट मांस आदि, भोग प्रसाद लगा करके इन कार्यों को कर जाती तंत्र के नाम पे छोटा मोटा कार्य कर लेते हैं और अपने आप को तांत्रिक कहते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं, सिस्टम का ज्ञान ही नहीं है, बचाव का रास्ता भी ढंग से पता नहीं। कुछ व्यक्ति, कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं शराब, अंडा, मीट मांस इत्यादि प्रस्तुत करके कुछ निकृष्ट योनि के चीजों को अपने अनुकूल कर लेते हैं और उसी का प्रयोग करके दूसरे को नुकसान करते हैं। उनका छोटा सा प्रयोग दूसरे के जीवन को बर्बाद कर देता है, ना वो इससे बचाव का रास्ता जानते हैं, ना सामने वाला बच पाता है। अगर किसी बड़े जानकार के पास वो गया तो ही उसका बचाव संभव है, और वो भी 100% नहीं होता। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो त्रिशूल पे बैठ जाता था और मसान इत्यादि सिद्ध किया था। उसने मेरे को कहा कि मेरे इस वृद्धावस्था में बड़ा परेशानी है, मैं कैसे इससे बचूं? मैंने कहा कि आप बहुत जादू दिखाए थे इनके दम पे, अब आपके लिए नुकसानदायक है, कैसे इसका आपके ऊपर दुष्प्रभाव है आप बताएंगे? वो बोलते हैं कि मुझे वहाँ खड़ा बैठा सब दिखता है, मुझे बुलाते हैं, मेरे से ये बोलता है, मेरे से वो बोलता है, देखो वो वहाँ खड़ा था अभी भाग गया। इसका एकमात्र बचाव का रास्ता यही है कि आप अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न करें। सबसे पहले आप मजबूत हों, शक्तिशाली हों, आपका आत्मबल बहुत मजबूत होना चाहिए। और आत्मबल अगर कमजोर है तो मजबूत हो जाएगा। आप माता की शरण लीजिए, हनुमान जी की शरण लीजिए, इनके पीछे पड़ जाइए, इनके यंत्र को धारण करिए, इनके रक्षा कवच को जागृत करिए, या किसी भी भयानक परिस्थिति में इस तरह की परिस्थिति आपके ऊपर उत्पन्न हो गई है तो आप हमसे संपर्क करिए, तुरंत आपको इससे हम निजात दिलाएंगे। कारण इसका यह है कि सबसे पहले इनके सुरक्षा घेरा, जो इनका सुरक्षा घेरा है, इसे हम असुरक्षा घेरा बोलते हैं, इनको तोड़ना होगा और इन्हें असुरक्षित कर देना होगा, फिर ये भाग लेते हैं।
बड़ी शक्तियों के सामने ये टिकते नहीं हैं। आप मंत्र से, यंत्र से, कवच इत्यादि आदि को जागृत करके इनसे बचाव का रास्ता बना सकते हैं। नित्य पूजा पाठ करिए, अच्छे कर्मों में प्रवृत्त रहिए, अपने मन को संतुलित रखिए और विवेकपूर्ण एकाग्र होकर चिंतन करके ही निर्णय लेके कोई कार्य करिए, क्योंकि ये यही परेशान करते हैं आपको। आप निर्णय ही ऐसा करेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक हो, बुरे चीजों में ही आपको खींच के ले जाएंगे, आपके अंदर इच्छा उत्पन्न करेंगे और वहीं से आपका नुकसान ये कर जाते हैं। तो कभी भी आप इन बुरी चीजों से प्रभावित हों तो यही कार्य करिए, बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान शुरू कर दीजिए, अच्छे कार्यों को करिए। कभी गुस्सा, ईर्ष्या इत्यादि अपने मन में धारण न करें, क्योंकि ये इन चीजों को बढ़ावा करते हैं। पूजा पाठ वंदना इत्यादि करिए, और इससे भी काम अगर नहीं निकलता है तो यंत्र धारण करिए, यंत्र को जागृत करिए, रक्षा कवच बनाइए, कवच पहनिए और इनसे बचाव करिए। पूजा पाठ करिए, यंत्र बनाइए, कवच धारण करिए और अपने आप को मजबूत करिए। इनके ऊपर ऐसा प्रभाव करिए कि आपसे खुद डरते फिरें, इनके ऊपर शत्रु की तरह टूट पड़िए। इतनी सामर्थ्य आपके अंदर होनी चाहिए और इन्हें काबू करिए, बल्कि इनको नियंत्रित करके अपने कार्य में प्रयोग करिए, और ऐसा प्रयोग करिए कि भाग खड़े हो जाए या बोतल में बंद कर दीजिए इन्हें। इतनी शक्ति उत्पन्न करिए अपने अंदर। इसके साथ ही ओम सोवर्णा संसंसिताम त्रिणेनाम पित्तां सुकुल्लासिनम हेम भांग रुचिरम शशांक मुकुटम सच्चंपक सग्रयुक्तम हस्तेर मुद्गर पाशबद्ध रसनम सांब्रतम भूषणै पर्याप्तांगी बगलामुखीम त्रिजगताम संस्तिम्भनिम चिंतयते। जय माता की।